हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई-लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज तारीख है 7 मई और मैं हाजिर हूँ आपके सामने 7 मई की करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो और मैं कैसा लग रहा हूँ देखने में, मेरी भी तारीफ करते रहो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना वायरस के शरीर से शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने किस नाम के एंटीबॉडी की खोज की है। कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है कोरोना वायरस के, हाथ में लग जाए फिर हाथ मुंह लगा लो तो इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है पूरा, तो इसकी एंटीबॉडी बनाई है वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम है 47D11। इस एंटीबॉडी को बनाया है वैज्ञानिकों ने, जिससे कि ये एंटीबॉडी शरीर से शरीर में जाने से कोरोना वायरस को रोकेगी, इसके प्रकोप को रोकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है। ये आंसर होगा इसका दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे और राजेश टोपे ने घोषणा की है कि हम राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिकल पॉलिसी देंगे। ठीक है, और ये मेडिकल पॉलिसी जो होगी ये बिना किसी मतलब 0% ब्याज पर होगी ये बीमा पॉलिसी, और इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। कितने लाख रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है दोस्तों। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र के बारे में याद रख लेना, राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से किसने इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के दावेदारों से नामांकन मंगाए हैं। कि कोरोना वायरस चल रहा है तो इसके तहत वैसे तो नहीं वो हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन, ठीक है ना, मेल के द्वारा जो भी दावेदार हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के, उनसे ऑनलाइन आवेदन मेल के थ्रू मंगाए हैं। अब देखो, ये मंगाए खेल मंत्रालय ने। किसने मंगाए दोस्तों? खेल मंत्रालय ने मंगाए। खेल मंत्रालय के जो मंत्री है हमारे देश में, उनका नाम है किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू, ये खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसमें राजीव गांधी जैसे खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में ईमेल से आवेदन को मंगाया गया है, तो इनकी घोषणा बाद में की जाएगी, तब आपको हम पढ़ाएंगे सारी चीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर किस शहर में द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है। ठीक है, द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है, ठीक है ना, ई मार्केट प्लस पोर्टल पर की है, तो ये नई दिल्ली की सरकार ने यहां पर की है। नई दिल्ली के बारे में जानते ही हो, नई दिल्ली के जो सीएम है दोस्तों उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है यहां पर मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल यहां पर कौन है दोस्तों? अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो मैं प्रत्येक दिन आपको दिवस पढ़ा रहा हूं, प्रत्येक दिन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है डे को लेकर। तो 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, याद कर लो सभी दोस्त, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले किस देश के वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया है। देखोगे यहां ब्रिटेन की बात आ रही है दोस्तों, इसका आंसर ब्रिटेन है, कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं नील फर्ग्यूसन और ब्रिटेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण इन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, इसका उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया है। क्लियर, आगे बढ़े। मॉरिस जॉनसन यहां के कौन है? प्रधानमंत्री है, ये आपको याद रख लेना है ब्रिटेन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की गई है। देखो, किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों की सहायता करे, ठीक है, सरकार ने ऐसा बोला है, तो सरकार ने इसके लिए संकल्प योजना शुरू की है, और ये किस देश में, किस राज्य में की गई है दोस्तों?
मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। क्या नाम है? लालजी टंडन। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? कि अगर भ्रष्टाचार से रिलेटेड आपकी कोई कंप्लेंट है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल सकते हो। ये त्रिपुरा राज्य के लिए है। किसके लिए है? त्रिपुरा राज्य के लिए है। त्रिपुरा की अगर बात करोगे दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा के सीएम बिप्लव देव है, और त्रिपुरा के गवर्नर है राकेश व्यास। क्या नाम है? राकेश व्यास। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, किस मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है, तो आंसर होगा इसका ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। किसने किया है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। देखो इसका मैंने दिवस भी बताया था आपको कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया था। नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। याद रख पाओगे। क्वेश्चन नंबर है 10वां, किसने अल्ट्रा वायलेट डिस इन्फेक्शन टावर विकसित किया है? किसने अल्ट्रा वायलेट डिस इन्फेक्शन टावर विकसित किया है? डीआरडीओ ने किया है। देखो डीआरडीओ के बारे में मैंने कल भी बताया था, डीआरडीओ के बारे में इससे पहले भी कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं। आज आप डीआरडीओ के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स लिखोगे, इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां पर है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इसके इस टाइम पर चेयरमैन कौन है, ये सारी चीजें आप डीआरडीओ के बारे में लिखोगे आज क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर है 11वां दोस्तों, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तरुण बजाज को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई के बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल से काफी बार बता चुका हूं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत हुई थी। इसके सबसे पहले गवर्नर थे ओपसरोन स्मिथ, इसके सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को, ठीक है। वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। इतने क्वेश्चंस आपको आरबीआई से याद रखने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये भारत का सेंट्रल बैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसे विश्व युद्ध 2 पदक से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विश्व युद्ध पदक 2 से सम्मानित किया गया है। किम जोंग उन को सम्मानित किया गया है, और ये सम्मानित किसने किया? रशिया ने किया, रूस ने। किसने सम्मानित किया? रूस ने इसको सम्मानित किया है। किम जोंग उन जो कि तानाशाह है, कहां के? उत्तर कोरिया के। कहां के हैं? उत्तर कोरिया के। उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, ठीक है ना, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की कैपिटल है, और उत्तर कोरिया की जो करेंसी है वह है नॉर्थ कोरियन वॉन, WON। क्या नाम है? WON। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, याद रखना। 12वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? तो ये झारखंड की सरकार ने दोस्तों विरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है। झारखंड की अगर बात करोगे, राजधानी रांची है, झारखंड के सीएम हैं इस टाइम पर हेमंत सोरेन, और झारखंड में जो गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14वां है, किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? ठीक है, किसके द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। और भारतीय नौसेना के जो एडमिरल है उनका नाम क्या है? करमवीर सिंह। क्या नाम है? करमवीर सिंह। यहां पर ये रहेंगे क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 15वां है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। 15वां क्वेश्चन में
ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल्स मैं काफी पहले से बताता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर इस टाइम पर हैं आपकी आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है दोस्तों इलाहाबाद में, ठीक है। इसकी एक ब्रांच कहां पर है, लखनऊ के अंदर है, ठीक। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है, श्री राम वेंकट रमन को अपना सीईओ नियुक्त किया गया है। फ्लिपकार्ट की बात है दोस्तों, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई है, 2007 में इसकी स्थापना हुई है, और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इसके संस्थापक हैं, ठीक है, याद रखना है। इससे पहले जो सीईओ थे इसके उनका नाम क्या था, कल्याण कृष्णमूर्ति, और अभी कौन है सीईओ, अभी प्रेजेंट में कौन बने, श्री राम वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है, निगाह मत कर देना किसी का, ठीक है, निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर बात करोगे, राजधानी है यहाँ की शिमला और धर्मशाला, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों ने, मैंने पूछा भी था एक दिन, काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो, इसी तरीके से लगे रहो। और हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, क्या नाम है, बंडारू दत्तात्रेय, ओके। क्वेश्चन नंबर है 8वां दोस्तों, किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है, तो CHD कोविड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंडी एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर लिटिनेंट होता है या लेफ्टिनेंट बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन थे 18, आज 7 मई की करंट अफेयर्स में क्वेश्चन का मैंने आपके लिए दिया है आज का क्वेश्चन, क्या आप DRDO के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, तो सभी DRDO के बारे में लिख के कमेंट करो, सही सभी लिखा करो यार, ये 10-12 बच्चे 15 बच्चे लिख रहे हैं इनका, भाई आपको भी करना है पेपर पास, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हो जाओगे, तुम करो तो सही, मेरे साथ जुड़े तो रहो, ठीक है। चलो इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।